हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस। प्यारे बच्चों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कोरिलेशन सीरीज़ का ही थर्ड लेक्चर में बात करेंगे कार्ल पियर्सन कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन बाय शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड से किसी भी दो वेरिएबल के बीच में कार्ल पियर्सन मेथड के द्वारा कैसे हम कोरिलेशन फाइंड करते हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। इसके प्रीवियस दो लेक्चर में हम दे चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने कोरिलेशन के मीनिंग्स एंड कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, मेथड्स ऑफ कोरिलेशन, डिग्री ऑफ कोरिलेशन के बारे में ब्रीफ डिस्कस किया था। सेकेंड लेक्चर में हमने कार्ल पियर्सन कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन को फाइंड करने का डायरेक्ट मेथड डिस्कस किया है। अगर आप अभी तक ये जो नहीं देखे हैं हमारे जो है दो वीडियोज़ जिसके कोरिलेशन के, तो पहले आप प्रीवियस दोनों वीडियो को हमारे चैनल पे के प्लेलिस्ट में जा करके उसे आप वॉच करिए, उसके बाद इस लेक्चर को आप वॉच करेंगे तो ज़्यादा आपके समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम चलिए आज बात करते हैं कार्ल पियर्सन कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन बाई शॉर्टकट मैथड। कार्ल पियर्सन ने किसी भी दो डेटा के बीच में कोरिलेशन फाइंड करने के तीन मैथड दिए हैं, जिनके नाम है, पहला है आपका डायरेक्ट मेथड, दूसरा है शॉर्टकट मेथड, तीसरा मेथड का नाम है प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन मेथड। तो हम सेकंड लेक्चर में डायरेक्ट मेथड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और आज इस लेक्चर में बात करेंगे शॉर्टकट मेथड। आज हम बात करेंगे शॉर्टकट मेथड के द्वारा किसी भी कोरिलेशन, किसी भी दो वेरिएबल या दो डेटा या दो सीरीज के बीच में कार्ल पियर्सन के मेथड के द्वारा शॉर्टकट मेथड से उनके डेटाज के बीच में कैसे कोरिलेशन फाइंड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, शॉर्टकट का सबसे जो बेनिफिट होता है स्टूडेंट, वो ये होता है कि शॉर्टकट मेथड में हमें एक्चुअल मीन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर एक्चुअल मीन पॉइंट में आ जाता है थोड़ा हमारा कैलकुलेशन क्रिटिकल हो जाता है, तो उस क्रिटिकल कैलकुलेशन से बचने के लिए शॉर्टकट मेथड ज़्यादा बेटर माना जाता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आइए हम इसके फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। स्मॉल आर जो सिंबल होता है कार्ल पियर्सन कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन का, इसका फॉर्मूला है कि एन, एन जो होता है टोटल नंबर होता है, एन इंटू सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई अपॉन अंडर रूड एन सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूड एन सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर, वेयर कैपिटल एन इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी, डी एक्स होता है एक्स माइनस ए एक्स, ए एक्स क्या है एज्यूम मीन ऑफ एक्स टेबल है, डी वाई का फॉर्मूला होता है वाई माइनस ए वाई और ए वाई क्या होता है एज्यूम मीन ऑफ सेकेंड टेबल। तो एक क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट, कैलकुलेटिंग कार्ल पियर्सन कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन बाई शॉर्टकट मैथड वेयर टेबल आर गिवेन, टेबल गिवन है स्टूडेंट एक्स इक्वल टू 22, 25, 28, 23, 25, 24, 26, 27, वाई गिवन है 18, 23, 22, 20, 25, 21, 28, 23। अब हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, दो वेरिएबल दिया गया है, दो डेटा दिया गया, एक एक्स दिया गया, एक वाई दिया गया। इन दोनों डेटा के बीच में शॉर्टकट मेथड के द्वारा कार्ल पियर्सन कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करना है। सोल्यूशन में स्टूडेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टेबल बनाते हैं शॉर्टकट मेथड में। पहले टेबल में एक्स के डेटाज को लिखते हैं, सेकंड में वाई के डेटा को लिखते हैं, उसके बाद डी एक्स निकालते हैं, डी वाई निकालते हैं, अगले टेबल में डी एक्स स्क्वायर, डी वाई स्क्वायर और डी एक्स डी वाई। तो पहले हमने एक्स लिखा, एक्स की वैल्यू दिया गया, जो क्वेश्चन में दिया गया है 22, 25, 28, 23, 25, 24, 26, 27। वाई का जो डेटाज दिया गया है 18, 23, 22, 20, 25, 21, 28, 23। अब इसमें क्या है, डायरेक्ट मेथड में हम पहले मीन निकालते थे पहले वाले डेटा का और दूसरे वाले एक्स का और वाई का, यहाँ मीन निकालने नहीं होता, हम एज्यूम करते हैं। सबसे पहले हम एक्स में एज्यूम कर लिया, हमने ए एक्स मान लिया, एज्यूम मीन ऑफ एक्स मान लिया 25 को। अब हम निकालेंगे डी एक्स, डी एक्स कैसे निकालते हैं, डी एक्स का फॉर्मूला अभी हमने बताया था आपको क्या होता है, एक्स माइनस ए एक्स। तो 22 माइनस 25 क्या आएगा, माइनस 3 आएगा, 25 माइनस 25 0, 28 माइनस 25 3 आ गया, 23 माइनस 25 माइनस 2 आ गया, 25 माइनस 25 0 आ गया, 24 माइनस 25 0 आ गया, सॉरी 24 माइनस 25 माइनस 1 आ गया, 26 माइनस 25 1 आ गया, 27 माइनस 25 2 आ गया। अब dx का स्क्वायर इसमें लिख लेंगे, dx स्क्वायर
माइनस माइनस थ्री का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और इसे हमने ऐड कर लिया, क्या गया 28। और dx को भी ऐड करेंगे तो फाक से 0 आ गया। अब हम y वाले में आ जाओ। आप y वाले में हमने 22 को मान लिया ay, एज्यूम मीन ऑफ y, 22 को मान लिया। अब किसी को मान सकते हैं, आप फ्री हैं, ठीक है। अब हम निकालेंगे dy, और dy का फॉर्मूला हमने बताया है y माइनस ay होता है। तो 18 माइनस 22 माइनस 4 आ गया, 23 माइनस 22 1 आ गया, 22 माइनस 22 0 आ गया, 20 माइनस 22 माइनस 2 आ गया, 25 माइनस 22 3 आ गया, 21 माइनस 22 माइनस 1 आ गया, 28 माइनस 22 6 आ गया, 23 माइनस 22 1 आ गया। ये dx आया, इसे ऐड करा 4 आ गया, ऐड करा तो क्या आ गया स्टूडेंट 4 आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं, अब हम dy स्क्वायर निकालेंगे। तो माइनस 4 का स्क्वायर 16 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 0 का स्क्वायर 0 आ गया, माइनस 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, माइनस 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 6 का स्क्वायर 36 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, ऐड कर लिए 68 आ गया। अब मैं निकालना dx dy, ये है dx और ये है dy, माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 4 प्लस 12 हो गया, 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 0 हो गया, 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 0 हो गया, माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2 प्लस 4 हो गया, 0 मल्टीप्लाइड बाई 3 0 आ गया, माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1 1 आ गया, 1 मल्टीप्लाइड बाई 6 6 आ गया, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 आ गया, और इसे ऐड कर लिए 25 आ गया। इतना कैलकुलेशन के बाद अब हम सीधा क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे फार्मूला। फार्मूला आपके सामने दिख रहा है, शॉर्टकट का कार्ल पियर्सन का फार्मूला होता है आर इक्वल टू, क्या होता है स्टूडेंट, R इक्वल टू होता है, देखिए स्टूडेंट, n सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स सिग्मा डी वाई अपॉन अंडर रूट n सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट n सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। अब रखेंगे सबकी वैल्यू। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल x एंड y, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, n की जगह हमारा क्या है 8 है। तो फार्मूले में देखो क्या है, n इंटू डी एक्स डी वाई, तो 8 मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स और डी वाई की वैल्यू क्या आया है, डी एक्स और डी वाई की वैल्यू आपके सामने 25 आया है, ठीक है स्टूडेंट, लिख दिया हमने 25। 8 मल्टीप्लाइड बाई 25 इन माइनस क्या है डी एक्स और डी वाई, डी एक्स की वैल्यू 0 आया था, डी वाई की वैल्यू देख लेना पीछे टेबल में 4 आया था। अंडर रूट क्या है, n सिग्मा डी एक्स स्क्वायर, n सिग्मा डी एक्स स्क्वायर, n की वैल्यू 8 है, 8 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 28 आया था, माइनस सिग्मा डी एक्स की वैल्यू 0 आया था, तो माइनस 0 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट, दूसरे ब्रैकेट में है n सिग्मा डी वाई स्क्वायर, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय डी सिग्मा डी वाई स्क्वायर की वैल्यू 68 आया है, माइनस सिग्मा डी वाई की वैल्यू 4 आया था, 4 का स्क्वायर। सॉल्व करिए, जब 24 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 200 आ जाएगा, 0 का 4 में करेंगे 0, तो 0 हो गया, कैंसिल हो गया। अब जब इन दोनों का मल्टीप्लाई 28 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 224 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 होता है, कैंसिल हो गया, इनटू अंडर रूट 68 का 8 पे मल्टीप्लाई करेंगे 544 आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, इक्वल टू न्यूमरेटर में तभी 200 ही है, इनटू अंडर रूट, देखो ये भी अंडर रूट में, ये भी अंडर रूट में, जिसे हमने एक अंडर रूट में कर लिया, इस वाले से तो 224 आएगा, 28 मल्टीप्लाई बाई 6 और 8 16 24 यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो यहाँ आ गया 244 मल्टीप्लाइड बाई, जब हम 544 में 16 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 528, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ऊपर तो रहेगा 200, नीचे आ जाएगा 118272। अब इसका अंडर रूट निकालेंगे तो 343.906 आ जाएगा, तो 200 में डिवाइड करिए तो 0.581 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब जो है हमारा r की वैल्यू क्या आ गया, 0.58, जो पॉजिटिव है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में कौन सा किस तरह का रिलेशन होगा, पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है स्टूडेंट। अब हम दो क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, प्रॉब्लम टू है कि फाइंड द कोरिलेशन बाय शॉर्टकट मेथड x और y, x है 42, 44, 58, 59, 98, 66 और y है 56, 49, 53, 58, 65, 76, 58। और प्रॉब्लम 3, एक्स और वाई दो टेबल वेरिएबल दिया गया, इसके बीच का कोरिलेशन शॉर्टकट मेथड से निकालना है कार्ल पियर्सन फॉर्म लगा करके। एक्स की वैल्यू है 78, 89, 96, 69, 59, 79, 68, 61 और वाई है 125, 137, 156, 112, 107, 136, 123 और 108, ठीक है।
स्टूडेंट आप इसे सॉल्व करिएगा। तो स्टूडेंट आज हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया कोरिलेशन के थर्ड लेक्चर में कार्ल पियर्सन कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करने का शॉर्टकट मेथड के द्वारा, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा किसी भी दो डेटा का या दो सीरीज के बीच कोरिलेशन कार्ल पियर्सन के मेथड के शॉर्टकट मेथड के द्वारा कैसे हम किसी दो डेटा के बीच का कोरिलेशन फाइंड करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर आपको पसंद आया हो तो अपने सुझाव, अपने मोटिवेशन, अपने जो है फीडबैक्स ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके आएंगे कार्ल पियर्सन कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन बाय प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन मेथड। ओके स्टूडेंट, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय बाय।